हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं मारुति सुजुकी की सियाज है, 2016 का मॉडल है। सीएनजी प्लस पेट्रोल है। तो इसका मैं डैशबोर्ड खोलने जा रहा हूं क्योंकि इसका गाड़ी अभी जैसा कि देख पा रहे हैं चालू है और हीटर हाई पे रखा हूं और हीटिंग टेम्परेचर भर ही नहीं रहा, यानी कूलिंग जैसा हो रहा है, हीटर चल ही नहीं रहा, लगभग बिल्कुल चल ही नहीं रहा। तो इस वजह से मैं इसका हीटर कोयल रिप्लेस करने वाला हूं। तो इसके लिए डैशबोर्ड खोलने की जरूरत है मेरे को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं इसका डैशबोर्ड खोलने जा रहा हूं। तो चलो फिर मैं इसका डैशबोर्ड खोलने के लिए स्टार्ट कर रहा हूं। तो फिर डैशबोर्ड खोलने के लिए सबसे पहले मेरे को कंसोल बॉक्स खोलना पड़ेगा। तो कंसोल बॉक्स में सबसे पहले इस साइड एक स्क्रू दिया रहेगा, एक इस साइड दिया रहेगा। तो ये सब मैं खोलना स्टार्ट करता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं मैं डैशबोर्ड खोलना स्टार्ट कर दिया हूँ। ये दोनों स्क्रू खोल दिया हूँ, इधर का पीछे का। तो सबसे पहले मेरे को ये वाला जो ब्लैक कलर की ये है फाइबर है उसको खोलना पड़ेगा। जैसा कि देख पा रहे हैं ये निकल चुकी है, हैंड ब्रेक ऊपर ले लेता हूँ, निकल गया। अब फिर ये दो स्क्रू दिया है तो ये दो स्क्रू खोलता हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली देख पा रहे हैं ये स्क्रू खुल चुकी है और ये सॉकेट रहता है राइटर का पीछे का, ये भी निकाल दिया हूँ, डे मेरा निकल जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सॉकेट ये पूरा निकल चुका, तो फिर ये निकलेगा अपना ये साइड का। तो सबसे पहले इसको निकाल देंगे अपन। ये भी निकल गया और वैसे इस साइड का निकालना पड़ेगा, देख पा रहे निकल चुका। मैं पीछे रख देता हूँ इसको, इसके बाद ये वाला निकलेगा। तो ये वाला बॉक्स निकाल देते हैं, जैसा कि देख पा रहे ये भी निकल चुका। फिर आगे ये दोनों निकालता हूँ, फिर आपको आगे दिखाता हूँ। ऐसे खींचेंगे ये इजीली पूरा निकल जाता है, ये भी वैसे ही रहता है, ये भी निकल चुका। अब एक स्क्रू ये और एक ये स्क्रू खोलता हूँ और ये खींच के निकल जाएगा। इसमें दो तीन सॉकेट रहेगी, सॉकेट निकाल देता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं ये दोनों स्क्रू खुल चुकी है, अब इसको खींचेंगे तो ये निकल जाता है। तो इसमें दो सॉकेट रहती है, तो सॉकेट निकाल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं ये रिव्यू निकल चुका अपना। उसके बाद मैं ये डक्टिंग को खोल देता हूँ, पीछे का जो एसी का एयर का ब्लोअर का हवा जो आती है, तो ये डक्टिंग को निकाल देता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं इसमें दो 10 नंबर दिया हुआ रहता है, मैंने खोल दिया इसको। और ये क्लिप है यहाँ, सॉकेट में लगी है सॉकेट, इसको इधर ही रख देता हूँ, इसको निकाल देता हूँ। ताकि देख पा रहे हैं ये भी नल्ला निकल चुका। अब अपने को गियर बॉक्स खोल के 4 12 नंबर दिया हुआ रहता है, जैसा कि देख पा रहे हैं 2 3 4 चारों 12 नंबर खोल के, फिर मैं इसको पलटी मारता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। आगे देख पा रहे हैं चारों बोल्ट खोल दिया हूँ, इसको पलटी मार दिया हूँ। पलटी इसलिए मार रहा हूँ, इसको जरूरत तो नहीं रहती है, बट डैशबोर्ड को जो मैं पलटी मारता हूँ ना तो इसके ऊपर लगना नहीं चाहिए, इस वजह से मैं पलटी मारता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं ये 12 नंबर बाहर से रहेंगे, दो इस साइड रहेगा। तो ये सब खोलता हूँ, धीरे धीरे सब खोलता हूँ, फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलो फिर मैं खोलता हूँ और आगे आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं मैं फाइनली पूरी गाड़ी का जो जो खोलना है डैशबोर्ड खोलने के लिए मैं खोल चुका हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं मेरे को क्या क्या खोलना पड़े, सबसे पहले ये दोनों 12 नंबर, उसके बाद ये वाली BCM की सॉकेट, उसके बाद ये बोनेट की केबल, बोनेट का केबल, और ये सब जो सॉकेट देख रहे हैं ये सब सॉकेट निकालना पड़ेगा आपको। उसके बाद स्टेयरिंग कॉलम को निकाल ही दिया हूँ मैं। उसके बाद ये दोनों पट्टी, इस साइड का उस साइड का, दोनों साइड का खोलना पड़ेगा। उसके बाद जैसा कि देख पा रहे हैं ये वाली सॉकेट, ब्लोअर की सॉकेट, एडजस्टेंट की सॉकेट और कूलिंग कॉइल सेंसर की सॉकेट, और ये वाली सॉकेट फ्लैप का, डायरेक्शन फ्लैप का, और ये
कनेक्टर का निकाला नहीं हूँ, निकालना पड़ेगा मेरे को। तो वो वाली सॉकेट, उसके बाद इस साइड देख लीजिए आप, ये एयरबैग की सॉकेट, ये वाली सॉकेट, ये अर्थिंग, ये बीसीएम में से एक सॉकेट है, और ये आउटसाइड एयर का फ्लैप का मोटर का सॉकेट, और इधर का पैनल खोल लिया हूँ, और इस साइड का 12 नंबर दोनों खोलना पड़ेगा। इधर देख पा रहे हैं ये दरवाजे के पास का, और ये सब खुल चुका है अपना। उसके बाद तो उसके बाद ये वाला पैनल का सॉकेट खोलना पड़ेगा, ये वाला, बाकी सब मेरा खुल चुका है। तो बाहर भी मैंने क्या खोला हूँ वो आपको दिखा देता हूँ, तो चलो फिर बाहर लेके जाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं कॉल पैनल अपने को खोलने की ज़रूरत पड़ी है। कॉल पैनल खोलने के बाद यहाँ देख पा रहे हैं 12 नंबर दिया हो रहा था, ये वाला 12 नंबर खोल दिया हूँ, और उसके बाद हीटर का पाइप और कूलिंग कॉइल का जॉइंट का, कूलिंग कॉइल के पास का जॉइंट का खोल दिया हूँ। तो चलो फिर मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ, डैशबोर्ड निकालता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे फाइनली डैशबोर्ड खुल चुके, और मैं आपको एक सॉकेट बताना भूल गया था, जो कि एयरबैग की सॉकेट, यहाँ मॉड्यूल की सॉकेट निकालना पड़ेगा, तो ये भी मैं निकाल दिया हूँ। तो चलो फिर मैं इसको पलटी मार के बाहर लेकर के आपको पलटी मार के दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने फाइनली डैशबोर्ड खोल लिया, अब मेरे को कंट्रोल यूनिट निकालने का है। इसके लिए अपने को 10 नंबर एक यहाँ दिया है, और जैसा कि देख पा रहे एक ही अंदर से दिया है, बाकी सब बाहर से दिया है। तो बाहर से कैसे खोलता हूँ आपको मालूम है कौन सा रहता है, फिर भी एक बार दिखा दूंगा। तो चलो मैं बाहर खोल लेता हूँ और आगे आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं बाहर से 5 बोल्ट नट रहता है और अंदर से एक नट रहता है, ये हूँ सब, और ये देख पा रहे हैं इजीली अपना निकल चुका। और ये रही ड्रेन पाइप, निकल गया ये भी। तो चलो फिर मैं इसको बाहर लेता हूँ, और बाहर लेकर फिर आगे आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं हीटर कॉइल पूरा एकदम सड़ गया है, इसकी वजह से हीटिंग टेम्परेचर आ नहीं रहा था। तो चलो फिर मैं बाहर लेकर के आपको दिखाता हूँ इसको। जैसा कि देख पा रहे हैं बाहर ले चुका हूँ मैं, सिर्फ ये हीटर कॉइल खोलने के लिए अपने को ये वाला डक्टिंग खोलना पड़ेगा। डक्ट खोल के अपना हीटर कॉइल निकल जाएगा, तो मैं खोलता हूँ और ये वाला खोलना पड़ेगा, खोल के फिर बाहर लेकर के आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं ये वाला और ये वाला डक्टिंग मैं खोल दिया हूँ, अब हीटर कॉइल बाहर आ जाएगा। जैसा कि देख पा रहे अब नया वाला हीटर कॉइल ये है। तो सबसे पहले मैं आपको प्राइस दिखा देता हूँ, जैसा कि देख पा रहे हैं 2528 रुपये का है, ओरिजिनल पार्ट है, मारुति का है। ये रही नया वाला पार्ट। तो चलो फिर मैं इसको फिटिंग करता हूँ, फिटिंग करके आगे आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली फिट हो चुका है, और जूनी वाली ये है। तो चलो फिर मैं इसको गाड़ी में फिटिंग करके आपको आगे दिखाता हूँ। दोस्तों जैसा कि देख पा रहे फाइनली मैं कंट्रोल यूनिट बैठा चुका हूँ, तो चलो फिर मैं आप डैशबोर्ड अंदर डाल देता हूँ, डाल के आगे आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली मैं डैशबोर्ड डाल दिया हूँ, जैसा कि देख पा रहे हैं। तो चलो सब मैं फिटिंग वगैरह करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो चलो फिर फिटिंग करने के लिए लग जाता हूँ मैं। ये देख पा रहे हैं फाइनली गाड़ी पूरी फिट हो चुकी है, जैसा कि देख पा रहे हैं सब कुछ मैंने जो भी खोला था सब फिटिंग कर दिया हूँ। जैसा कि देख पा रहे गाड़ी पूरी फिट हो चुकी है। अब और एक काम इसमें बचा है, क्या बचा है कि कंट्रोल पैनल चेंज करने का, क्योंकि ये वाला बटन जो देख पा रहे हैं हम टूट चुकी है, इसकी वजह से काम वगैरह सब बराबर कर रहा है, लेकिन कस्टमर का कहना था कि बटन चेंज कर दो, तो इस वजह कंट्रोल पैनल चेंज कर दो, तो इस वजह से मैं इसका कंट्रोल पैनल चेंज कर रहा हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं ये रही कंट्रोल पैनल। तो सबसे पहले मैं आपको इसका प्राइस दिखा देता हूँ कितने का है। जैसा कि देख पा रहे हैं 4795 रुपये का कंट्रोल पैनल है। तो कंट्रोल पैनल भी आपको दिखा देता हूँ, तो जैसा कि देख पा रहे हैं ये रही कंट्रोल पैनल सेम है, और उसका वो है। तो चलो फिर मैं इसको खोलता हूँ, खोल के फिटिंग करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं ये सबसे पहले मेरे को टेप निकालना पड़ेगा, टेप से निकालने पहले ये क्रोम निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये दो स्क्रू रहेगी, ये दो स्क्रू खोलने के बाद जैसा कि देख पा रहे हैं ये निकल गया, और ये बाहर आ जाएगा अपना। तो चलो फिर मैं इसको बाहर ले लेता हूँ, इसमें एक ही सॉकेट रहता है जैसा कि देख पा रहे हैं, वो सॉकेट खोल के बाहर लेता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं सॉकेट खोल दिया, और ये कंट्रोल पैनल निकल चुका। तो नया वाला मैं फिटिंग कर देता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं नया वाला कंट्रोल पैनल फिट हो गया, और जूनी वाली ये वाली है।
तो चलो फिर मैं इसको गैस चार्जिंग वगैरह करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ कूलिंग वगैरह टेम्परेचर और हीटिंग टेम्परेचर। तो चलो फिर मैं गैस चार्जिंग करके आता हूँ, क्योंकि गैस चार्जिंग कैसे करता हूँ आपको मालूम है। तो चलो फिर मैं गैस भर देता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ, गाड़ी चालू है अपना और एसी चालू रखा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एसी ऑन है, ब्लोड भी चालू है, कूलिंग टेम्परेचर आप देख लीजिए 5.3 पे आ चुका है, यानी कूलिंग प्रॉपर हो रहा है। तो फिर मैं इसका हीटिंग टेम्परेचर आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने इसका हीटर कॉइल चेंज किया, हीटर नहीं चल रहा था, हीटर कॉइल जाम हो जाने की वजह से हीटर नहीं चल रहा था। तो जैसा कि देख पा रहे हैं आप, हीटिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है अभी, थोड़ी देर रुकता हूँ और देखता हूँ हीटिंग टेम्परेचर कहाँ तक जा रहा है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं बढ़ रहा है, 33 पे आ चुका, 41 पे आ चुका, 42 पे आ चुका है, यानी हीटिंग प्रॉपर हो रहा है जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ थर्मामीटर में। तो इसका सभी सिस्टम प्रॉपर हो गया, मैं बाहर गैस वगैरह मार के सब इसमें ओके कंप्लीट कर दिया हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो मैंने डैशबोर्ड खोल के फिटिंग करके आपको दिखाया। तो वीडियो कैसा लगा आपको दोस्तों, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो अच्छी है। और आप अगर ऐसे वीडियो से इंटरेस्टेड हो ना, तो प्लीज कमेंट करें, या फिर आपके गाड़ी में भी हीटर नहीं चल रहा है, मारुति सुजुकी की सियाज है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो आप कमेंट करके बताएं कि क्या हुआ रहेगा, या फिर जो भी कंसर्न है आपका कमेंट करेंगे तो ही मुझे समझ में आएगा। तो मैंने जैसा आपको दिखाया सब एक चीज खोल के कैसे खोला जाता है, और कंट्रोल पैनल भी चेंज करके दिखाया, उसके बाद हीटर कॉइल भी चेंज करके दिखाया, प्राइस भी दिखाया किसका कितना प्राइस है। तो हेलो दोस्तों, आप मेरे चैनल में अगर नए हो ना, तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो फिर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।